क्योंकि मैंने सोच रखा था कि फर्स्ट और सेकंड पेमेंट तो बता दिए, रिवील कर लिए, बट थर्ड पेमेंट रिवील नहीं करेंगे। सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का सीन कुछ इस प्रकार है कि आज मैं दो तरफ से खुश हूँ। अब दो तरफ से खुश कैसे हूँ? एक तो मेरी YouTube की जो थर्ड पेमेंट आ गई आई है उस लिए, और दूसरा आज हमारे डेली ब्लॉग चैलेंज का सातवां दिन है और आज मेरा डेली ब्लॉग का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अब आगे तो देखेंगे, बट आगे कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश जारी रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट चैलेंज था हमारा कि सात दिन जैसे तैसे करके हमको वीडियो बनाना है, सात दिन तक ब्लॉग बनाना है, वो चैलेंज आज पूरा होने जा रहा है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी और रियली मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया खुद पर कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकूँ। बट अब की बात करें तो अब शाम होने वाली है और सूरज ढलने वाला है। बस कुछ ही पलों में सूरज ढलने जा रहा है और मेरा जो इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट करने का भी कुछ न कुछ रीज़न है, इसका कारण मैं आगे बता दूंगा। तो गाइस आज का जो दिन था ना वो बहुत ख़राब था यार, रियली बता रहा हूँ। क्योंकि अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं और आज पूरे दिन धूल भरी हवा बहती रही। अक्सर हम लोग गाँव डाणी में रहते हैं तो भाई धूल तो उड़ने वाली है, बिल्कुल इतनी धूल उड़ रही है, उड़ती है और आंधी के साथ बहुत जाती है। बाहर निकलना भी मन नहीं करता है और बाहर निकलते तो आंखें तक भी निकलते हैं यार। और शहरों में तो ओनली और हवा रहती है, इतनी धूल तो नहीं उड़ती है, मगर हमारे डाणियों में धूल बहुत उड़ती है यार। इसलिए पूरे दिन यार घर से बाहर तक भी नहीं निकला। बट मैंने सोचा कि जैसे धूल भरी आंधी बंद होगी तब मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये तो बंद होती भी नहीं है। अब देखो शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने वाला कुछ ही पलों में, बट फिर भी देखो हवा बहती है, आप देख सकते हो ना, हवा भी बह रही है। कि जो मैंने पिछला एक और ब्लॉग बनाया था कि भाई मेरी पेमेंट मेरे को नहीं मिली, और गाइस मैंने जैसे ही पिछला वीडियो बनाया कि भाई मेरी थर्ड पेमेंट आ चुकी है, और वैसे ही आप लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। आप लोगों के भर भर के कमेंट आने शुरू हो गए थे कि भाई थर्ड पेमेंट आई तो हम लोगों को बताओ, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाओ, आई तो आई कितनी यार बताओ। वैसे मैंने थर्ड पेमेंट तो उठा ली है बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, दिल से सॉरी। क्योंकि मैंने सोच रखा था कि फर्स्ट और सेकंड पेमेंट तो बता दिए, रिवील कर लिए, बट थर्ड पेमेंट रिवील नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, आप लोगों की डिमांड पर भाई बतानी पड़ी, क्योंकि आप ही मेरी यूट्यूब फैमिली और आप ही मेरा सब कुछ हो, इसलिए आप लोगों को बताना बनता है। और गाइस विशेषकर मुझे चैलेंज पूरे करने की खुशी है, रियली बता रहा हूँ। जो मैंने चैलेंज पूरा किया है ना उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आया, आनंद भी आया। और जैसे डेली ब्लॉग करते हैं ना तो खुद को बिजी पाते हैं, और बट मैं आगे भी एक भी ब्लॉग मिस नहीं करूँगा, पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि डेली डेली ब्लॉग डालूँ। और वही मेरी थर्ड पेमेंट आई है तो वैसे ही मैंने पेरेंट्स को दे दी मेरे, बट मैं क्या करूँ, मेरे को ज़रूरत है नहीं, और जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। और कोई भी आइटम कोई भी चीज़ परचेज करनी होगी तो ले लेंगे बस। अब मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ और हमारे इलाके में मैं अकेला ही जो यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, तो रियली खुद को बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहा हूँ। रियली में खुद को बहुत खुशी होती है कि भाई रियली मैं भी कुछ अलग कर रहा हूँ, बट आगे जाकर क्या होगा वो तो देखते हैं। तो गाइस फिलहाल चलते कहीं और पर और वहाँ बैठकर कुछ और बातें आपसे करता हूँ। गाइस मैंने YouTube से तीसरा पेमेंट उठाया है, बट मुझे तीसरे पेमेंट उठाने तक में कोई परेशानी नहीं आई है। बस गाइस अंत में गाइस बस आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप भी यूट्यूबर करो जल्दी। आप लोगों के लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ कि आप लोग भी यूट्यूबर जल्दी से जल्दी ग्रो हो, और आप लोग अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़े और अच्छी तरह से मेहनत करो, टाइटल लगाओ, थंबनेल लगाओ और अच्छे कंटेंट बनाओ, ज़रूर आपका भी वीडियो ज़रूर वायरल होगा और आप लोग भी मेरी तरह यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू करो। मैं तो बस यही कहूँगा आप लोगों के लिए, बस मेरी यही दुआ है। और अंत में बस शाम होने लगी है तो मैं अंत को बस आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपको अब आप कहोगे कि भाई आपका पेमेंट आया कितना है, वो नहीं बताया है, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।